मैया सुधा काली देह पर रात विलाप करने लगी है। काली देह में कूदने को होती है। राधा ने जब देखा कन्हैया मेरे सामने नहीं है, राधा पछाड़ खा करके काली देह पर गिर गई और रोने लगी है। सभी सखियां सभी गोकुलवासी रो रहे हैं, पछाड़े खा रहे हैं भगवान कन्हैया की याद में। मैया सुधा काली देह में कूदने को होती है। बलराम समझा लेते हैं, माँ तुम चिंता मत करो, कन्हैया कुछ क्षणों में वापस आने वाला है और कन्हैया का काली देह में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समझा लेते हैं बलराम। इधर तो इस तरह विलाप सभी कर रहे हैं, उधर भगवान कन्हैया काली देह में पहुंचे जहाँ कालिया नाम सो रहा था। जहाँ पर कालिया नाम सो रहा था वहीं पर भगवान पहुंच गए। नागिनियों ने देखा तो देख करके कहने लगी, आपस में मेरी बहन, ये बच्चा बड़ा सुंदर है और बड़ी छोटी उम्र का है, और अगर हमारे पति देव जाग गए ना तो इसे अभी मार डालेंगे। ऐसा करो, इसे यहाँ से समझा करके किसी तरह से भगा दो। दूसरी कहने लगी, बहन अच्छा तो बहुत लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। तीसरी कहने लगी, बहन ऐसा मन में आ रहा है कि इस बच्चे को गोद में लेकर के कुछ देर तक खिला लो। बोली, तुझे खिलाने की पड़ी है, अगर पति देव जाग गए तो इसे मार करके यही डाल लेंगे, इसलिए इसे समझा करके इसे वापस कर दो। भगवान कन्हैया ने नागिनियों के पास सुन ली। उसी समय भगवान श्याम सुंदर नागिनियों के पास पहुंच गए, कहने लगे, नागिनिया हाँ, अरे तुम किसके बारे में बातचीत कर रही हो? बोले, बच्चे चुप रहना, आवाज मत निकाल। बोले, क्यों? तो कहा, इसलिए हमारे पति देव सो रहे हैं और अगर ये जाग गए ना तो तुझे मार डालेंगे। कन्हैया कहने लगे, नागिनिया अपने पति की प्रशंसा कर रही है, अरे जगा दे अपने पति को, जो तेरा पति सो रहा है, मैं इसी